रुका हुआ धन किस तरह से वापस पाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि पैसा ये हमारे जीवन की ड्राइविंग फोर्स होता है। और जब पैसा ही अटक जाए ना, तो यकीन मानिए जीवन की क्वालिटी बहुत डाउन जानी शुरू हो जाती है। हम में से कई लोग हैं जिनके कई तरह से पैसे मार्केट में अटके हुए हैं। कईयों का उधार दिया गया पैसा वापस नहीं आ रहा है, कई लोग जो है बिजनेस में पैसा अटका हुआ है, कई लोगों का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में पैसा अटका हुआ है, कई लोग रिटायर हो चुके हैं लेकिन अभी तक उनके ड्यूज नहीं आए, कईयों का बिल्डर से पैसा अटका हुआ है। यानी कई किस्में हो सकती हैं पैसा अटकने की, लेकिन एक बात कॉमन है कि जब भी पैसा वापस नहीं आता है ना, तो जो जीवन है लगातार मुश्किल होता चला जाता है, टेंशन बढ़ती चली जाती हैं। क्या एस्ट्रोलॉजी में कोई उपाय है जिससे पैसा वापस आ पाए? जी हाँ, बिल्कुल है, 100% है। आज के वीडियो में हम कारण की भी चर्चा करेंगे, निवारण की भी चर्चा करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इससे पहले कि हम शुरू करें, एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि इससे लेटेस्ट से लेटेस्ट मेरे चैनल के जो अपडेट्स हैं ना, आप तक पूरे टाइम पे पहुंचते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा कि पैसा अटकता ही क्यों है। सबसे पहले तो हम कारण की चर्चा करते हैं कि क्यों पैसा अटकता है। देखिए, जब भी पैसा अटकेगा, प्लैनेट्स की बात करें तो अगर बर्थ चार्ट के बृहस्पति और शुक्र ये खराब होंगे, पैसा अटकेगा ही अटकेगा, कोई आपके पैसे को बाजार में अटकने से रोक नहीं सकता। और इसके अलावा बर्थ चार्ट में 12th हाउस, 1st हाउस, 2nd हाउस, ये जो घर है ना, ये खराब होंगे तो भी पैसा अटकेगा। 12th हाउस होता है लॉसेस का, खर्चों का। 1st हाउस जो है ये आपके धन स्थान से 12वां घर है, यानी आपके संचित धन को खराब करने का घर भी 1st हाउस होता है। और 2nd हाउस तो अपने आप में ही आपका संचित किया हुआ धन है, ये खराब होगा तो भी पैसा अटकेगा। रही बात बृहस्पति की, बृहस्पति होता है आपका किस्मत कनेक्शन, बृहस्पति होता है आपको रूटीन में अवेलेबल होने वाला कैश। और जब भी बृहस्पति खराब होगा तो आपको कैश की उपलब्धता, कैश की अवेलेबिलिटी जो है बहुत ही कम होती चली जाएगी। और अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र तो वो है भाई कि अगर आपके पास पैसा है तो उसको आप खर्च कैसे करेंगे। यहां पे क्या हुआ कि आपका पैसा खर्च होने की बजाय मार्केट में किसी के पास अटक गया। यानी गुरु और शुक्र खराब होंगे या 12th, 1st और 2nd हाउस खराब होंगे तो नो डाउट आपका पैसा अटकेगा ही अटकेगा। और अगर बात करें हम वास्तु की, तो घर की कई दिशाएं हैं जो जिम्मेदार होती हैं आपके पैसे के रिलीज होने की या आपके पैसे के अटकने की। जी हाँ, अगर आपके घर का दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट कोना ये खराब होगा तो एक बार नहीं, बार बार कारण बनेंगे आपके पैसे के लॉसेस के। इनमें मार्केट में पैसे का अटकना एक मुख्य कारण रहेगा। और इसके अलावा अगर आपके घर का नॉर्थ वेस्ट कोना खराब होगा तो भी आपका पैसा जो है, पक्की बात है, अटकेगा। अब आपका पैसा रिकवर होगा या नहीं होगा, इसके लिए जिम्मेदार होगा आपके घर की पूर्व दिशा। मैं चाहूंगा ये वीडियो आप नोटपैड साथ में रख के देखें, क्योंकि आज मैं जो सूत्र बता रहा हूं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। और मैं चाहता हूं कि इन सूत्रों को आप एक बार नोट कर लें, क्योंकि अगर आपने इनको नोट कर लिया और मेरे बताए उपायों को अप्लाई कर लिया तो यकीन मानिए डूबा हुआ पैसा तो वापिस आएगा ही आएगा। आज के बाद आपका पैसा ना अटकेगा ना डूबेगा। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल उपायों की बात करें तो सबसे पहले लग्न को सही करने के लिए आपको क्या करना होगा, मार्केट में डूबे पैसे को रिकवर करने के लिए आपको जल में 11 दाने लाल मिर्ची के लेने हैं और रोजाना सुबह चढ़ते हुए सूर्य को जल देना है। ध्यान रखिएगा, ये जो जल है सर से ऊपर लोटा करके और पानी की धार में से आपने सूरज को देखना है। मैं रिपीट करता हूँ, तांबे के लोटे में पानी डालिए और उसमें 11 दाने सूखी मिर्ची के डालिए और रोजाना सुबह सूर्यांजलि दीजिए। और सूर्यांजलि देते हुए ये मनोकामना जरूर करिए कि हे परमात्मा, मेरा जो अटका हुआ धन है उसको जल्दी से जल्दी वापस लाने का प्रबंध करिए। और यकीन मानिए परिस्थितियां ऐसी होनी शुरू हो जाएंगी कि आपका रुका हुआ धन आएगा ही आएगा। लेकिन यहां पे मैंने अभी जो बात की थी कि गुरु और शुक्र का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने चार्ट के जुपिटर को बैलेंस करना होगा। देखिए, आपका बर्थ चार्ट यूनिक है, आपका बर्थ चार्ट आप ही का है, और उसको बैलेंस करने के लिए आपको नो डाउट बर्थ चार्ट का विवेचन करवाना होगा। लेकिन आज मैं जो जेनरिक रेमेडी बता रहा हूँ उससे भी आपके जो जुपिटर है ना, बहुत अच्छी तरह से बैलेंस हो जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने ईष्ट के मंदिर जाना है, जिनको भी आप मानते हैं उनके स्थान पे उनके मंदिर में जाइए और वहां पे हर पूर्णिमा वाले दिन आप घी का एक दीपक जलाइए। और जब दीपक जलाएंगे तो उसमें 2 लौंग डाल दीजिए। इतना भर करने से यकीन मानिए आपको आपके जुपिटर की वो वाली पॉजिटिव एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी जो आपके रुके हुए धन को रिलीज करवाने के लिए जिम्मेदार होती है।
और इसके अलावा देखिए, रुका हुआ धन जो है ना, इसमें कुछ एक और कंडीशंस होती हैं। सपोज करिए आपने किसी को उधार पैसे दिए हुए हैं, अब जिसने पे आपसे पैसे उधार लिया, अब अगर उसके पास पैसा है ही नहीं, तो वो अब आपके कोई भी उपाय कर लीजिए, पैसा तो नहीं आएगा। अब आपके किए उपाय उसकी जेब तो नहीं भरेंगे ना। लेकिन जुपिटर वैली जो रेमिडी है, इससे उसकी लाइफ में भी कुछ कुछ ऐसे योग घटित होने शुरू होते हैं, जिससे वो उतने साधन जुटा पाए जिससे वो आपका पैसा वापस कर पाए। लेकिन ये उपाय सरकारी मामलों में, ये उपाय कुछ ऐसे मामलों में जहाँ पे पैसे हैं लेकिन वो पैसा देने में आनाकानी कर रहे हैं, ये 100% सटीक और बड़ी ही क्विक रेमेडी है। इसके अलावा एक और उपाय है जो आपके यहाँ बहुत मददगार साबित होगा। ये देखने में बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन ये उपाय आपकी रिकवरी के लिए इतना ज़्यादा ज़बरदस्त उपाय है, मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप इसको कुछ ही हफ्तों में देखेंगे कि ये उपाय आपको रिकवरी में पूरी सहायता कर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गौशाला में गाय को चोकर और शक्कर ये मिक्स करके आपको खिलानी है। कुछ ही हफ्ते करिए इसको, कोशिश करिए डेली करने की। डेली नहीं कर पाएंगे तो इसको कम से कम फ्राइडे का फ्राइडे करिए, और उसके बाद देखिए किस तरह से आपके जीवन में साधन बनेंगे आपका रुका हुआ पैसा वापस आने के। लेकिन ये उपाय जो हैं, ये उपाय हैं आपके ग्रहों को सही करने के लिए। यहाँ पे आपके घर के वास्तु को सही रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके घर के वास्तु के अंदर की जो एनर्जी होती है ना, ये एनर्जी जिम्मेदार होती है आपके जीवन में कोई भी अड़चने लाने के लिए या अड़चनों को हटाने के लिए। क्योंकि ग्रहों ने जो भी आपको फल देने हैं ना, ये उनका जो साधन होता है ना फल देने का, उनका जो करियर होता है, वो आपके घर के वास्तु की एनर्जी होती है। यानी ग्रहों के फल थ्रू घर के वास्तु की एनर्जी आप तक पहुंचती हैं। तो घर के वास्तु की एनर्जी को बैलेंस करना ना केवल घर को बैलेंस करेगा, जीवन को बैलेंस करेगा, बल्कि आपके ग्रहों को भी बैलेंस करेगा। तो घर के साउथ ईस्ट में अगर आपने हरे पौधे दे रखे हैं, घर के साउथ ईस्ट में इवन आपने अगर वुडन कलर भी दे रखा है, तो यकीन मानिए अब आपके पैसे अटकने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अटके हुए पैसे हैं वो भी जल्दी वापस नहीं आएंगे। हरा रंग वहां से हटाइए, वुडन कलर वहां से हटाइए, हो सके अगर ब्लू कलर है तो भी वो वहां से हटाइए, वहां पे क्रीम कलर रखिए। इसके अलावा बेज की कोई शेड, मिट्टी के रंग की कोई भी शेड जो है साउथ ईस्ट में रख सकते हैं। साउथ ईस्ट में कोशिश करिए, अगर आपके बर्थ चार्ट के मंगल सही हैं तो आप मैरून कलर भी वहां पे रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में पैसे की रिकवरी के चांसेस 99 नहीं 100% तक बढ़ जाते हैं। इसके अलावा घर के ईस्ट को सही करने के लिए अगर आपका पैसा अटका हुआ है ना, तो आप कॉपर के सूरज घर के ईस्ट में लगा दीजिए। देखिए नॉर्मली घर के ईस्ट में जो रेमेडी होती है ना, वो होती है पीतल का सूरज लगाने की, लेकिन रुके हुए धन के केस में आपने वहां पे कॉपर के सूरज लगाने हैं, और जिसका डायमीटर जो है वो 6 इंच से कम ना हो, ये आप घर की पूर्वी दीवार पे लगा दीजिए, और फिर देखिए किस तरह से योग बनते हैं और पूरी बुलंदी से योग बनेंगे आपका रुका हुआ पैसा वापस आने के। और अंत में हम बात करते हैं घर के वायु कोण यानी नॉर्थ वेस्ट की, क्योंकि अगर ये कोण बैलेंस नहीं है तो रुका हुआ धन तो आ जाएगा, लेकिन वो आते आते कुछ इतना वेस्ट हो जाएगा, यानी आपको कुछ एक छोटा सा परसेंटेज ही मिलेगा उसका, फिर पूरा पैसा आपको नहीं मिल पाएगा अगर आपके घर के नॉर्थ वेस्ट में कोई ना कोई नुक्स है। तो घर के नॉर्थ वेस्ट को सही करने के लिए आपको क्या करना है, वहां पे चांदी के बर्तन में जल भर के रख दीजिए, इतना भर करिए, और फिर देखिए कि किस तरह से पूरा पैसा 100% पैसा और जल्दी से जल्दी पैसा वापस आएगा। दोस्तों ये थे मेरे एक छोटा सा प्रयास आपके लिए कि अगर आपका पैसा रुका हुआ है तो ये उपाय करने से आपका रुका हुआ पैसा जल्दी तुरंत और पूरा वापस आ जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था, अगले बार मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा, नमस्कार। सर्वधर्म संगम टीवी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।